देखिए, सरकार जो है चीनी मिलों के लिए स्टॉक होल्डिंग और बिक्री का कोटा तय करती है और इसके लिए सरकार ने एक फार्मूला भी तय किया है, लेकिन अब सरकार ने इस फार्मूले को बदल दिया है। इसके मुताबिक अगर चीनी मिले अगर एथेनॉल बनाने के लिए चीनी डाइवर्ट करती है तो उसके ऊपर उनको 100% इंसेंटिव मिलेंगे। यूं समझिए कि अगर कोई चीनी मिले, पहले 10,000 टन का चीनी का कोटा रख सकती थी और 2,000 टन वो चीनी के लिए एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करनी थी तो उनको 10,000 का कोटा मिलता था, लेकिन अब वो 2,000 का कोटा इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि चीनी मिलों को 12,000 का कोटा टन का कोटा मिलेगा। तो इससे चीनी मिलों का जो मंथली सप्लाई होल्डिंग है वो बढ़ेगी और साथ साथ उनका मंथली बिक्री का कोटा जो है वो भी बढ़ेगा। तो इससे चीनी मिलों को सीधे सीधे फायदा होगा, चीनी मिलें एडिशनल कोटा रख पाएंगे और एडिशनल बिक्री जो है वो भी कर पाएंगी, तो चीनी मिलों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।